नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सपरिवार कुशल से होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो प्राथमिक ज़रूरी होती है उस सब्जेक्ट पर आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो उसे कैसे रिप्लेस करेंगे, आपकी अगर पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, आपका अगर पैनल ख़राब हो जाए, डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। आज का सब्जेक्ट हमारा इसी बात पर है। और 17 इंच से लेकर 65 इंच का LED आप कैसे तैयार करेंगे, इस पर बात है आज। तो हम देखेंगे आज कि किस तरह हम 17 इंच में जो मदरबोर्ड लगाते हैं वही मदरबोर्ड हम 17 में भी लगा सकते हैं, हम 24 में भी लगा सकते हैं, हम 28 में भी लगा सकते हैं, 32 में भी लगा सकते हैं, 40 में भी लगा सकते हैं, 43 में भी लगा सकते हैं, यानी हम 65 इंच तक इसी मदरबोर्ड को हम लगा सकते हैं। वो कैसे, आइए एक वीडियो के द्वारा हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये यूनिवर्सल जो बोर्ड होता है वो किस तरह इंस्टॉल होता है। हमने ये पूरा सर्किट डायग्राम आज आपके लिए तैयार किया है। उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल, जिसे हम किसी भी नाम से जान सकते हैं, U5611 है, T53L, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं, जिसमें मात्र हमारे ऑडियो सिस्टम होता है और LVDS कनेक्शन होते हैं। ये इस तरह का सिंगल जो मदरबोर्ड आता है हमारा, इसको हम आज 17 इंच से लेकर 65 इंच का LED इससे हम आज तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं हम। तो कोई भी मदरबोर्ड में हम अगर नया यूनिवर्सल बोर्ड लगाएं, इस टाइप का अगर हम कोई भी बोर्ड लगाएं, तो ये दोस्तों जो हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम आपको 14 इंच, 17 इंच और 24 इंच तक हम इस सप्लाई को हम यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या सावधानियां रखना पड़ती है। तो आइए बात करते हैं हम। सबसे पहले हमें पैनल की ओर देखना होगा कि ये पैनल हमारा कौन सा है। अब यहां आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब तक हमें पैनल के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम ये बोर्ड को इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप इंस्टॉल कर भी देंगे तो इसमें बहुत कमियां आ जाएंगी, हो भी सकता है कि ये पैनल ख़राब हो जाए आपका। इसलिए सबसे पहले हमें पैनल के विषय में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा, एक आइडिया देते हैं हम आपको कि इस पैनल के लिए हमें जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा। तो इस पैनल की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले, आप पैनल के ऊपर देखेंगे, चारों तरफ निगाह डाल के देखेंगे तो पैनल पर आपको इस टाइप की एक स्लिप नज़र आएगी, जिस तरह हमने ये स्लिप यहाँ दर्शाई है। ये LG का पैनल है और ये देखिए आप, ये लिख रहा है LG डिस्प्ले, RU का पैनल है और इसका जो मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर है LC
420DUEFGA3 ये इसका मॉडल नंबर है। ये आपको यहाँ इस तरह की जो स्लिप होगी उसमें आगे मॉडल नंबर लिखा होगा, या इसको पहचानने के लिए, इस स्लिप को पहचानने के लिए हम आपको एक शानदार आइडिया देते हैं। वो आइडिया ये है कि हमारे एवरेज देखते हैं हम, क्या 17 इंच का एलईडी आया या 24 इंच का, इतना तो हमें देखने में पता लग जाएगा एक अमूमन। तो जो भी इसका पैनल नंबर होगा उसके आगे वो अंक जरूर होगा। जैसे कि हमने ये 42 इंच पैनल का नंबर आपको लिखा है तो LC42 0DEU इस तरह होगा। अगर मान लीजिए ये अगर 32 इंच का पैनल है तो LC32 लिखा होगा या आगे कुछ, यानी 32 का अंक तो आएगा, 24 इंच का है तो 24 इंच का आएगा, 17 का है तो 17 आएगा, 15 का है तो 15 आएगा। यानी आपको इस स्लिप को पहचानने के लिए, क्योंकि डिस्प्ले पर तो बहुत स्लिपें रहती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले उसकी एवरेज साइज देखें अपने दिमाग में कि लगभग ये 17 इंच का है कि 24 का है कि 28 का है कि 32 का है कि 40 का है कि 38 का है। तो हमें एक एवरेज दिमाग में एक बात आ जाएगी कि नहीं 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 ये तो 40 का हो सकता है, 43 का तो नहीं है। तो उसके आगे या तो 40 लिखा होगा या 43 लिखा होगा। तो वही स्लिप हमारी है, ये स्लिप को पहचानने का एक देसी फार्मूला है। जिस तरह इस पर लिख रहा है LC42 तो ये 42 इंच का पैनल है, ठीक। तो आप स्लिप को ये पहचान गए कि हमारा मॉडल नंबर हम कैसे पहचानें। तो मॉडल नंबर पहचानने के लिए मैं पुनः याद दिलाता हूँ आपको कि जो भी हमारा एवरेज हमको दिख रहा है कि ये 32 इंच का है, अब 32 इंच का हमने मान लिया और उसमें लिख रहा है आगे कुछ भी लिख के और 28 लिख लिया, तो आपने जो सोचा है उसके हिसाब से वो 28 इंच का, यानी दो अंक जहाँ आपको पहले मिलेंगे वो आपका पैनल, वो मॉडल नंबर होगा। अब क्या करें, आप एक कागज पर इस तरह का यहाँ लिखें, कागज पर लिखने के बाद इसको बढ़िया कागज पर लिखें, इसी तरह लिख लें आप LC420DUE, एक निशान है माइनस जैसा, FGA3, ये ऐसा कैसे आप लिख लें, कहाँ लिखेंगे आप, यूट्यूब पर नहीं, गूगल पर। गूगल पर जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो वहाँ लिखा आएगा, आप जैसे सर्च करेंगे तो उस पर आप एक देखें पैनल लॉक ओवरव्यू, क्या देखेंगे आप, पैनल लॉक ओवरव्यू। उसको आप जैसे ही अंगूठा से दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो आपको इस तरह की एक डाटा शीट नज़र आ जाएगी। उसमें इस पैनल की संपूर्ण जाति का विवरण होगा, कौन सी जात का ये पैनल है, कितने वोल्ट का है, कौन सा इसका रेजुलेशन है, कौन सा इसमें LVDS लगना है, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। जी हमने आपको एक दर्शाया है यहाँ पे, जब आप सर्च करेंगी तो आपको सब पता लग जाएगा। ये हमने यह नाम क्यों दिया है कि आप इसी नाम से सर्च करें पहले, जब आप इसी नाम से सर्च करेंगे तो इस तरह का डाटा शीट आपके सामने निकल कर आएगा। जब इस तरह का डाटा शीट निकल के आए तो ये बता देगा आपको कि LG डिस्प्ले है, पैनल LC420DUE का ये पैनल है नंबर इसका, ये सारा इसमें विवरण है, 19-20-10-80 इसका रेजुलेशन है, 12 वोल्ट का इसका पैनल है। तो इस जब ये पूरा हमको बता देगा तो हम इसे फुल HD की इसमें केबल लगाएंगे। अब ये हमारा दूसरा काम चालू हो गया, क्या करेंगे अब हम, जब हमें ये रेजुलेशन पता लग गया और इसका पूरा औकात पता लग गया कि ये क्या है, इसको क्या चाहिए, किसको वोल्ट कितने चाहिए, इसको
एलवीडीएस कौन सा चाहिए, तो उस एलवीडीएस को हम यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे 19-20 10-80 का हमारा इसका रेजुलेशन है, तो हम इसमें 10 पेयर का एलवीडीएस, इस तरह का एलवीडीएस होता है दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ आपने इसको कनेक्ट किया और पैनल पर आप इस तरह का एलवीडीएस आप कनेक्ट यहाँ कर देंगे, जैसे कि हमने इस चित्र में एलवीडीएस ये आपको लाइन बता रखी है। अब एक प्रॉब्लम और आएगी आपके सामने, उसको भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। वह प्रॉब्लम कौन सी रहेगी? वह प्रॉब्लम यह रहेगी कि इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड में पावर सप्लाई है कि राइट साइड में है, ये हमने वीडियो दे रखा है। हमारी जो क्लास में आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे कि लेफ्ट में है कि राइट में, उसको कैसे पहचाने, तो आपने सही तरीके से अगर सप्लाई हमारी इसमें अभी इसमें लेफ्ट साइड में है तो हम लेफ्ट साइड का लगा देंगे, अगर राइट साइड का है सप्लाई तो राइट साइड का एलवीडीएस लगा देंगे। यहाँ तक कि हमारा ये पैनल का काम पूरा हुआ, जब तक हम इसमें कोई भी पावर सप्लाई या कोई भी कनेक्टर नहीं जोड़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैनल की एक स्लिप जो रहती है पैनल पर लगी होती है, आपको स्केलर पर दिख जाएगी, जैसे ये लगी रहती है इस पैनल पर लगी दिख जाएगी, तो उससे आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें हमें जिस साइज का टीवी होगा उसका वो अंक हमें पहले कोड में नज़र आ जाएंगे। जिस तरह LC420DUE का ये पैनल है, तो इस तरह की अब इसी तरह आप गूगल पर जाकर ये डाटा शीट निकालें और गूगल पर जैसे इसको सर्च करेंगे, वहाँ आपको 3-4 ऑप्शन नज़र आएंगे, जो पैनल लॉक ओवरव्यू जो लिखा हो उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस तरह की डाटा शीट आपको देखने को मिल जाएगी। 1-2 बार आप सर्च करेंगे तो पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा, और इस तरह की जब डाटा शीट आपके सामने आ जाए जिसमें लिखा होगा कि कौन सी कंपनी का है, तो LG डिस्प्ले है, इसमें ये मॉडल नंबर जो हमने लिखा है वही मॉडल नंबर होगा, कितने इंच है कि 42 इंच है, इसका ये कौन सी कंपनी का TFT है, 19-20 10-80 है, 12 वोल्ट रेजुलेशन है, इसमें कितने पेयर का LVDS लगेगा, तो इसमें लिख रहा है डबल चैनल आउटपुट, ये सब देखने को आपको ये हमने आइडिया के लिए लिखा है आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा पैनल चेकिंग का कार्य। ये हमने जो नंबर लिखे हैं वो इस पैनल के नहीं हैं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए ये नंबर हमने लिखे हैं कि आप डाटा शीट इससे किस तरह निकालेंगे। क्योंकि ये 17 इंच का पैनल है, क्योंकि ये 14 इंच से लेके 24 इंच तक का ये पैनल आप मान लें, क्योंकि ये सप्लाई उतने पर ही काम करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने ये इसमें LVDS, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये हमारा मदरबोर्ड है, ये हमने LVDS लगाया, इस LVDS को लगाने पर भी हमें एक सावधानी रखना पड़ेगी आपको, कि इस LVDS में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सप्लाई इधर है कि इधर है। सबसे पहले तो देखेंगे आप, ये एरो का एक निशान बना होता है हर मदरबोर्ड में, ये रहा एरो का निशान, इस एरो के निशान पर हमें ये जो हमारा सप्लाई का रहता है वो हमको इस तरह लगा देना है, और पैनल पर जब आप लगाएंगे तो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला LVDS लगा देंगे, और राइट साइड वाला है तो राइट साइड वाला लगा देंगे, और इसको आप यहाँ से कंटिन्यूटी लेकर कंटिन्यूटी पर मीटर रखकर और फ्यूज को टेस्ट करेंगे आप, अगर बजर बजता है तो आपका ये परफेक्ट है, अगर बजर नहीं बज रहा है, ये रेड कलर से कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो आपका ये परफेक्ट नहीं है, आप अभी इसमें करंट ना दें। चलिए आपका ये परफेक्ट हो गया, अब आगे चलते हैं।
तो आगे हमने ये देखा कि LVDS कनेक्शन हमारा फिट हो गया और हमने इसमें जो बता रहा था कि सिंगल चैनल का यानी पांच पेयर का LVDS लगना है कि डबल चैनल का यानी HD है या नॉन HD है, वो हमने यहाँ फिट करके लेफ्ट है कि राइट है ये हमने लगा दिया। अब बोल्ट की बात आती है कि ये पैनल हमारा कितने वोल्ट का है, 3.3 का है कि 5 वोल्ट का है कि 12 वोल्ट का है। तो उसका दोस्तों इसी मदरबोर्ड में एक सॉकेट होता है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट का भी सॉकेट है, 5 वोल्ट का भी है और 3.3 का भी है। जिस तरह का हमारा यहाँ इस पर बोल्ट बताए उस बोल्ट को हमको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। आइए ये हमने सेलेक्ट कर दिया, ये इसने बताया कि हमारा 5 वोल्ट का पैनल है, इसकी डाटा शीट से निकला तो हमने डाटा शीट से निकाल कर इसको इस सब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर दिया। अब आगे हमें कनेक्शन और करना है, वो देखेंगे हम कि कनेक्शन आगे हम कैसे करेंगे। आइए तो हमारा ये स्पीकर का जैक होता है, जैसे कि आपको हमें ये देखने को मिला, ये इस तरह स्पीकर का जैक होता है। हमारे माइनस प्लस और माइनस प्लस दो स्पीकर होते हैं LED में हमेशा लेफ्ट राइट, ये हमारे स्पीकर कनेक्शन हमने कर दिए क्योंकि साउंड भी तो ज़रूरी है ना, तो ये स्पीकर कनेक्शन हमने कर दिए। अब इसके बाद हमें ये जो आप देख रहे हैं एक रेड कलर का सॉकेट लगा हुआ है, जो ये लगा हुआ है, ये रेड कलर का जो सॉकेट लगा हुआ है इसमें हमें पीछे की साइड पलट कर देखेंगे तो इसमें हमें यहाँ लिखा मिलेगा कि कौन कौन से कनेक्शन हैं। तो जब हमको लिखा मिलेगा तो ग्राउंड भी हमको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, BL ऑन भी लिखा मिलेगा और 12 वोल्ट भी हमको देखने को मिलेगा। अब हमारी सप्लाई तरफ आ जाइए, तो सप्लाई ये 220 वोल्ट का सॉकेट है और हमारा जो सप्लाई होता है ये 24 वोल्ट तक, इसमें हमारा ड्राइवर इनबिल्ट होता है। तो हमें 220 वोल्ट दिए हमने यहाँ, या इसने 12 वोल्ट बनाए, साथ में BL ऑन और ग्राउंड मिला यहाँ लिखा हुआ मिलता है और यहाँ भी यही मिलेगा। हमने ये तीनों वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए। जब हमने ये तीनों वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए, अब जो ये सॉकेट बचा हमारा, जो सॉकेट है हमारा, इस सॉकेट से हमने हमारे जो बैकलाइट होती है उसमें दो पट्टी हैं, तीन हैं, चार हैं, जितनी पट्टियां होती हैं उस तरह की हमने यहाँ पट्टियाँ में कनेक्शन कर दिया, जिसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, LED स्ट्रिप, वो हमने यहाँ लगा दी। अब हम जैसे ही 220 वोल्ट AC देंगे, हमने कनेक्शन किया BL ऑन का, तो हमारा जैसे ही 12 वोल्ट इसमें आएगा यहाँ से हमारा BL ऑन निकलेगा जो हमारी इसको जला देगा और यहाँ से हमारा जो पैनल के लिए VCC निकलेगा वो पैनल को जला देगा। ये मात्र जरा सा कनेक्शन आपको ध्यान में रखना है, इसका ओरिजिनल डायग्राम हम आपको दे देंगे ताकि आप वह ओरिजिनल डायग्राम आप अपने पास रखें और इसी को देखकर भी अगर आपने LED नहीं बना ली तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब दोस्तों इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है एक बात और बता दें हम IR की, ये जो सॉकेट देख रहे हैं आप यहाँ हमारा IR और की यानी आई रिमोट कनेक्शन होगा इस सॉकेट पर, यहाँ लिखा होता है सब, वो की यानी जो बटन से स्टैंड बाई चैनल वॉल्यूम होते हैं वो हमारे इस बटन से काम करेंगे। ये जो हमारा तीन पिन देख रहे हैं आप, एक तो वीडियो की होती है, दो ऑडियो की होती है, यहाँ से वीडियो हमारा इन हुआ, हमारा 12 वोल्ट इसको मिला, साउंड आई और डिस्प्ले आई, पावर सप्लाई ने अपना काम किया। अब अगर हमारा पावर सप्लाई अगर ख़राब है तो हम 12 वोल्ट इसको देंगे, हमारा पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा
और हमें पता लग जाएगा कि हमारी पावर सप्लाई ख़राब है, पावर सप्लाई को उठा के हम बदल देंगे। पावर सप्लाई हमारा सही है, बैक लाइट हमारा BL ऑन यहाँ से आ रहा है, साउंड आ रही है, तो हम ये LED स्ट्रिप बदल देंगे तो हमारा बैक लाइट सही हो जाएगा। अगर हमारा पैनल डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है, साउंड सही है, पैनल डिस्प्ले में जो भी प्रॉब्लम होगी वो पैनल डिस्प्ले के हम वोल्टेज चेक करके, जो पैनल डिस्प्ले के ज़रूरी वोल्टेज होते हैं जैसे कि VCC पहला वोल्टेज, इसके बाद ABDD, VGH, VGL, VCOM और गामा करप्शन के वोल्ट, साथ में 3 सिग्नल OE, STB और STBB, ये सिग्नल हम चेक करेंगे, ये वोल्ट हम चेक करेंगे और हमारे पैनल को कंप्लीट करके इस तरह हम इसको नया इंस्टॉल कर सकते हैं, पुराना भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका 14 इंच से लेकर और 24 इंच तक का। चूंकि यही मदरबोर्ड हम 65 इंच का LED तक लगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या बदला, कनेक्शन वही है, फार्मूला वही रहेगा हमारा कि हमने देखा कि हमारा पैनल कितने इंच का है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उस मॉडल नंबर को हमने गूगल पर सर्च किया, गूगल से ये डाटा शीट निकली और डाटा शीट जब निकली तो हमें ये पता लग गया कि हमारा LVDS कौन सा लगेगा। जब LVDS का पता लग गया तो पूरा इसमें हमारा 12 वोल्ट इन हुआ और इसने पूरा फंक्शन चालू कर दिया। अब फर्क क्या आता है 65 इंच में और 15 इंच में, फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आता है हमारी पावर सप्लाई का और साथ में हमारी इन्वर्टर का और साथ में हमारी बैक लाइट का। तो ये तो सर्किट अनुसार होंगे, पावर सप्लाई सर्किट अनुसार होगी, उसका बैक लाइट का जो ड्राइवर होगा वो भी सर्किट अनुसार होगा, और उसमें 2 लग रही हैं, 3 लग रही हैं कि 10 लग रही हैं ये LED, वो उसके अनुसार रहेगी। ये हमको इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना। अब हमें इंटरफेयर करना किसमें है कि हमारा जैसे ही इसमें 220 वोल्ट AC जाएगा तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा जैसे कि हमारा 32 इंच 40 इंच का जो सेट होगा आगे, उसमें सबसे पहले हमारा बनेगा 3.3 वोल्ट STB। जब STB हमारा बन गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमारा फिर कोई भी वोल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि आप पुराने मदरबोर्ड को हटाकर नया मदरबोर्ड यूनिवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अब पावर सप्लाई को स्टार्ट करना होगी। और वो पावर सप्लाई कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे ही 220 वोल्ट आप देंगे तो यहाँ आपको 3.3 हो सकते हैं, 12 वोल्ट हो सकते हैं, 5 वोल्ट हो सकते हैं, यानी STB यानी स्टैंड बाई के वोल्ट आपको मिलेंगे और ये आपका 3.3 और 5 वोल्ट बन के, और ये आपका सर्किट या इंडिकेटर ऑन होगा। अभी सेट चालू नहीं होगा, आपके साउंड सिस्टम को नहीं मिलेगी और आपका साउंड सिस्टम इसी में इनबिल्ट है, 12 वोल्ट पे आपका ऑपरेट हो जाएगा, तो आपको बैक लाइट के लिए PS ऑन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमें करना क्या, ये एक का नहीं है, हर सप्लाई का ज्ञान आपको हम बता रहे हैं, क्यों कि अगर आपने हर सप्लाई में अगर ऐसा देख लिया तो आप ये मानिए कि आप हर सप्लाई को आप चालू कर देंगे। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमको पैनल का डाटा निकाला, पैनल का डाटा निकाल के हमने एक पैनल है कितने वोल्ट का
और उसका LVDS का क्या है, तो LVDS को हमने चेक किया, लेफ्ट है कि राइट है और सिंगल चैनल है कि डबल चैनल है, ये हमने पूरा ब्यौरा लिया। अब बात ये आ गई कि जो पावर सप्लाई हमको पुराने सेटों में देखने को मिलती है वो तीन चार प्रकार की होगी। उन तीन चार प्रकार के विषय में हम आपको आज समझाना चाहते हैं। वो कैसे, कि आप ये सप्लाई देख रहे हैं, ये सप्लाई में हमारा इसमें इन्वर्टर भी इनबिल्ट हो सकता है, बैकलाइट ड्राइवर भी इनबिल्ट इसमें हो सकता है, साउंड के लिए और बैकलाइट के लिए भी वोल्टेज इसमें हो सकते हैं अलग से, इसमें भी इनबिल्ट हो सकते हैं, वो हमको देखना है। उसके लिए अगर सप्लाई चालू करना है तो हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, करीबन 18 सप्लाई को हमने चालू किया है आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज पुनः फिर हम आपको सप्लाई कैसे चालू होती है, पुराने सेट में अगर हमको नया यूनिवर्सल बोर्ड लगाना पड़े तो पुरानी सप्लाई को हम कैसे चालू करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो जैसे ही 220 वोल्ट हम यहाँ देंगे, ये जो है सप्लाई कोई सी भी हो, STV वोल्ट निकालेगी सबसे पहले। क्या निकालेगी? STV वोल्ट सबसे पहले निकालेगी साहब। ये हमको यहाँ चेक करना पड़ेंगे, तो हमारा STV वोल्ट 3.3 भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। तो हमारा ये वोल्ट निकला। अब हमको करना क्या है, जैसे ही हम इसको 3.3 वोल्ट मिले, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ एक बनके का रेजिस्टेंस लेकर और STV से कनेक्ट कर देना है, या इसको डायरेक्ट भी जोड़ देना है। तो हमारा क्या होगा, क्या मिला इसको, PS ON, यानी पावर सप्लाई ऑन। पावर सप्लाई ऑन वोल्टेज जैसे इसको मिलेंगे, ये 12 वोल्ट और साथ में जो 24 वोल्ट हमारे इन्वर्टर के लिए होते हैं, वे दोनों वोल्ट हमको यहाँ से, जैसे ही हम 3.3 वोल्ट जो हमारा या 5 वोल्ट हमारा STV होगा, क्योंकि वो वोल्ट तो अब रहा नहीं STV वाला, अब हमें इसको यहाँ यहीं चालू करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगी, PS ON से STV को हमें शॉर्ट कर देना है, या बनके का रेजिस्टेंस लगाकर उसको आपस में जोड़ देना है, या आप तो शॉर्ट मानो, या आप तो यहाँ से इसको शॉर्ट कर दो। अब आप 220 वोल्ट AC देंगे तो क्या निकलेगा, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हमारे कहाँ चला जाएगा, बोर्ड के लिए, साउंड के लिए और पैनल BCC के लिए। अब BL ON हमारा बोर्ड निकालेगा, BL ON आ जाएगा, ग्राउंड आ जाएगा। अब जो 24 वोल्ट बचते हैं हमारे, वो हमारे इन्वर्टर के लिए चले जाएंगे और इन्वर्टर से हमारा बैकलाइट चालू हो जाएगा। ये एक जरा सी प्रक्रिया हमारी, जो भी हमारे 32 इंच से लेकर 65 इंच के LED में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यूनिवर्सल को। क्यों, इसमें जो क्षमता होगी वो इसकी क्षमता के अनुसार होगी, इससे और इसका कोई लेना देना नहीं, इसको तो 12 वोल्ट मिले। अब किसी में यहाँ हमें 15 वोल्ट मिलते हैं, किसी में 19 मिलते, 12 है ही नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ बक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर इसको हम यहाँ वोल्ट दे देंगे और पूरा सिस्टम ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप नए TV को इंस्टॉल करें, या चाहें आप तो यूनिवर्सल को इंस्टॉल कर दें, और यूनिवर्सल की जगह अगर ये बोर्ड सही है तो आप इस डाटा शीट से पैनल को चेंज कर दें, और इस पैनल और इस कार्ड के हिसाब से सप्लाई को चेंज कर दें, और इस सप्लाई के हिसाब से आप
ये जो बेकलाइट ड्राइवर होता है और बेकलाइट होती है उसको चेंज कर दें आप। तो आज का जो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आएगा और काम में आएगा, क्योंकि आपको एक गलत फहमी होगी, एक क्वेश्चन और रह गया हमारे दिमाग में, क्यों हमने इसमें आपको ये समझाया इधर कि ये हमारा 14 इंच से लेकर 24 इंच तक का एलईडी है, तो इसमें फ़र्क क्या आया? फ़र्क इसमें ये आया, ये पावर सप्लाई और ये बेकलाइट ड्राइवर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है, बाकी जो सिग्नल होते हैं हमारे वो तो 14 इंच से लेकर और 65 इंच तक सेम रहते हैं। डाटा शीट द्वारा आप इसको निकलवाएंगे, डाटा शीट निकालने के बाद इस तरह का पूरा ग्राफ आएगा आपको, ग्राफ आने के बाद इसमें जिस तरह का ग्राफ आए कि ये पैनल में एलवीडीएस कौन सा लगेगा, कितने वोल्ट का, वो यहाँ सेट करेंगे, एलवीडीएस लगाएंगे और सेट को ओके करेंगे। अब अगर वही हमें यहाँ 3265 में करना हो तो सबसे पहले हम पीएस ऑन यानी पावर सप्लाई को हम ऑन करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल को हमको लगाने से पहले, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये कनेक्शन कर दिए और आपका सप्लाई चालू नहीं है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप 220 वोल्ट एसी दें या 3.3 या 5 वोल्ट एसटीबी के चेक करें और पीएस ऑन को डायरेक्ट करके अपने यहाँ वोल्ट चेक करें, अपना वेकलाइट चेक करें। अगर ये सब सही है, इतना हमारा ये सब सही है, तो हम ये यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करें। अगर हमारा ये सही नहीं है, पावर सप्लाई भी ख़राब है हमारा, बैकलाइट सही है पावर सप्लाई ख़राब है, तो आप फिर ये वाला बोर्ड इंस्टॉल नहीं करें। इसके लिए हमें दूसरा बोर्ड लगाना होगी और उस बोर्ड का नाम है कॉम्बो मदरबोर्ड। कॉम्बो मदरबोर्ड में सप्लाई भी आपको साथ में मिलेगी, पूरी सप्लाई साथ में मिलेगी, साथ में मिलेगा आपको बैकलाइट इन्वर्टर, साउंड सिस्टम, यानी पूरा के पूरे कंप्लीट आपको ये आपको चार पांच चीज़ें लगाने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप सबसे पहले काम करने से पहले जैसे ही सेट आपके पास आता है, बोर्ड अगर उसका ख़राब है, वो कोई सी कंपनी का हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले आप पावर सप्लाई को चालू करें, पुराने बोर्ड का जेक हटाएं और सबसे पहले आप 3.3 या 5 वोल्ट एसटीबी की जो भी सप्लाई आ रही है उसको पीएस ऑन। अब प्रॉब्लम ये आएगी, कहीं किसी किसी में क्या होता है कि पीएस ऑन ही नहीं मिल रहा, तो जहाँ भी जो वोल्ट आ रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट वोल्ट जो आ रहे हैं उस वोल्ट से आप एक बनके का रेजिस्टेंस लीजिए और सभी पर बारी बारी से टिका के देख लीजिए। जहाँ आप हमारी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है वही हमारा पीएस ऑन है, ये भी फार्मूला आपको बता दिया। अगर फिर भी हमारा 3.3 या 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हम यहाँ चेक करें, यहाँ से मतलब ईएमआई सर्किट को चेक करें और सबसे पहले हम जो हमारा स्टैंड बाई की जो सप्लाई वाला विभाग होता है उसको कंप्लीट करके यहाँ हम एसटीबी वोल्ट चेक करें और इसके बाद हम पीएस ऑन से कंप्लीट करें। सप्लाई अगर हमारी सही हो जाती है तो ठीक है, और नहीं होती है और हमको फिर भी ये वोल्ट लगाना पड़े, इतनी जगह नहीं है, तो आप कोई भी 12 वोल्ट की सप्लाई उठाइए और इसको दीजिए, कनेक्शन इसी तरह रहेंगे, ये फार्मूला इसी तरह रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा और पसंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों।